हेलो एवरीवन, एंड आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो आज हम लोग देने वाले हैं आपको रिव्यू टाइम स्क्वायर होटल कुआलालंपुर का। और रिसेंटली मैं यहाँ पर रुका था तो मैंने सोचा आपको भी इसका एक रिव्यू दिया जाए। शायद आप नेक्स्ट ट्रिप अगर प्लान कर रहे हैं कुआलालंपुर की तो आप ये होटल कंसिडर कर सकते हैं। ये होटल बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल लोकेशन पर है, जहाँ पर बहुत ही सारी चीज़ें नियर बाई हैं, काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो देखें, ये रूम जो जिस पे मैं रुका था वो ये है। तो अभी देखें, जैसे यहाँ से इंट्रेंस है, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये है आपका पहला इम्प्रेशन रूम का। यहाँ पर देखें दो सोफे लगे हुए हैं, साइड लैंप वगैरह हैं, आइनिंग बोर्ड है। काफ़ी बड़ा था रूम ये, ओवरऑल दो से तीन लोग आराम से अगर हैं आप यहाँ पर रह सकते हैं। व्यू भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर देखिए, वर्किंग का एक वर्किंग स्टेशन भी है, टेबल है, एक चेयर है, अगर आप कुछ काम वगैरह करना चाहें, लैपटॉप वगैरह है तो आप यूज़ करें। टीवी यहाँ पर मिड में ये अरेंज किया हुआ था, और इससे आगे अगर पढ़ें यहाँ पर तो यहाँ पर ये सेक्शन है मिनी बार का। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मिनी बार यहाँ पर वो एवरीडे रिफिल करते हैं, तो फ्रूट्स एंड मिनी बार आपको रिफिल करके वो एवरीडे देंगे, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज है। ये है बेड, काफ़ी कंफर्टेबल बेड था और अच्छा खासा है, ये किंग साइज बेड है। और बेड से आगे जैसे चलेंगे तो ये देखें एक नेक्स्ट टू विंडो सोफा बेड भी है। तो अभी जैसे सपोज एक एक्स्ट्रा पर्सन भी है तो वो आराम से यहाँ पर लेट सकता है, आराम कर सकता है। और जो व्यू यहाँ से था ना मेरे रूम का, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये मडेका टावर है जो आप देख रहे हैं, काफ़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग है कुआलालंपुर की, वो आपको किसी भी कॉर्नर से आपको नज़र आ जाती है कुआलालंपुर में। सो ओवरऑल रूम बिग साइज रूम है, फुल ऑफ ऑल एमिनिटीज दैट यू नीड एक कंफर्टेबल स्टे के लिए। जैसे ये देखिए, ये शावर एरिया है, यहाँ पर आप इंटर करेंगे, ये भी काफ़ी बड़ा था। एक सेक्शन है जो यहाँ पर जकूजी है, और उसके साथ ही लगी हुई देखें आप ये पूरा वॉश बेसिन है, वो सब एरिया है। यहाँ से आगे चलेंगे तो दूसरे सेक्शन की तरफ आपका ये टॉयलेट वगैरह है, वो सेपरेट एरिया है। तो सपोज आप एक पर्सन जो है वो शावर ले रहा है तो दूसरा टॉयलेट आराम से यूज़ कर सकता है। तो ये अच्छा था। और यहाँ से देखें, ये पूरा टॉयलेट का एरिया है, यहाँ पर भी एक वॉश बेसिन है। सो ओवरऑल काफ़ी बड़े साइज के रूम हैं। ये वॉशरूम एरिया वगैरह भी है, जो शावर का एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। और इसके सामने ही देखें, मेनली आप इंट्रेंस जब लेते हैं तो ये है आपका वार्डरोब, यहाँ पर है लॉकर, हेयर ड्रायर। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो भी आपको एक कंफर्टेबल स्टे के लिए एक होटल में चाहिए होती हैं। सो ओवरऑल सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर थी। सो यहाँ से देखें, ये अगर इंट्रेंस है वॉशरूम का, यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो आपका ये पूरा रूम का पूरा एरिया है। चले मैं आपको एक बार रूम का फिर से एक व्यू दे देता हूँ, ताकि आपको ओवरऑल नज़र आ जाए कि इस रूम का अरेंजमेंट कैसा है, लेआउट कैसा है। तो ये है इसका पूरा देखें रूम का लेआउट। इसके बाद अभी ये रूम को दिखाने के बाद अब नेक्स्ट जो हम लोग जाएंगे वो है हमारा स्विमिंग पूल का एरिया। तो काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल है, रूफ टॉप स्विमिंग पूल है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो भी चल के हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी हम लॉबी की तरफ, और वहाँ से चलते हैं हम स्विमिंग पूल पे। स्विमिंग पूल जो है वो 15th फ्लोर पर लोकेटेड है। सो यहाँ से हम यहाँ लिफ्ट लेते हैं, और इसी फ्लोर पर है इनका स्पा। सो अगर आप यूज़ करना चाहें होटल का स्पा तो वो इसी फ्लोर पर है। अफकोर्स यहाँ पर इस होटल के नियर बाई बहुत सारे स्पास जो हैं आपको आउटसाइड जो मिल जाएंगे, मे बी बेहतर प्राइस वगैरह में, आप वो कंसिडर कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा आपके रूम का एक्सेस कार्ड स्विमिंग पूल एरिया में इंटर करने के लिए। सो ये जैसे देखें इंटर करते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी ओपन एरिया है। यहाँ से देखें आपको अगर नज़र आ रहा होगा ट्विन टावर जस्ट अभी सामने था, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये एरिया। यहाँ पर देखें फाउंटेन वगैरह इन्होंने लगाई हुई है, उसके साथ साथ जो है यहाँ पर ग्रीनरी वगैरह तो है ही जो भी है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं आपका स्विमिंग पूल का एरिया। सो जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पहले आपको मिलेगा किड्स का पूल। सो बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा पूल वगैरह बनाया हुआ है, तो छोटे बच्चों के लिए वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। आगे यहाँ से चलेंगे तो ये स्विमिंग पूल जो है काफ़ी बड़ा है, ट्रस्ट मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल जो मैंने होटल्स में देखा है।
यूजुअली काफ़ी छोटे होते हैं, और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी यहाँ से आप देखें इस एरिया से शुरू होता है ऑल द वे वहाँ तक आप आगे की तरफ चलते जाएं, तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। किड्स के लिए भी यहाँ पर दो स्विमिंग पूल हैं, एक जो है शुरू में आपको इस एंड पे नजर आएगा और एक अदर एंड पे आप जाएंगे स्विमिंग पूल का जो मेन एरिया है वहाँ पर भी बनाया हुआ, तो अच्छा खासा बच्चों के लिए भी है, ज़्यादा बच्चे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ से वहाँ अपना खेलें, स्विमिंग पूल में इंजॉय करें। यहाँ से आपको देखें इसी रूप से आपको नज़र आते हैं ट्विन टावर और ये है KL टावर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में था। तो यहाँ पर इसी रूफ टॉप एरिया में जहाँ पर पूल है या पूल साइड बार भी है, सो अगर आप अपनी कोई ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर करना चाहें तो वो भी लें और इन्जॉय करें यहाँ पर। सो चलते हैं, अभी ये था हमारा स्विमिंग पूल का एरिया, चलकर अभी देखते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है। ब्रेकफास्ट का जो एरिया है वो है लेवल 14 पर और स्विमिंग पूल जो अभी हमने देखा था वो लेवल 15 पे था। सो यहाँ से देखें इंटर करते हुए यहाँ से शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तो ये कुछ आई थिंक इंडियन आइटम जैसा कुछ लग रहा है और ये है पाव, बेसिकली स्टीम पाव होता है, इसके अंदर कुछ स्टफिंग वगैरह होती है। आगे अगर देखें तो ये है यहाँ पर कुछ पुडिंग आइटम लग रहा है मुझे, आई डिडंट ट्राई, ये पुडिंग का ही कुछ है। और यहाँ पर इस पे है ये हार्ड बॉइल्ड एग। सो ये सेक्शन इतना था, इसके आगे ही आप देखें तो यहाँ से शुरू हो जाता है ये किचन का पूरा एरिया जहाँ पर काम वगैरह चल रहा है और ये लाइव एग स्टेशन है, तो आप अपने मनपसंद के जो है यहाँ पर ऑमलेट्स वगैरह बनवा सकते हैं और वो आपको लाइव प्रिपेयर करके वो देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये है सैलड का कॉर्नर, लें अपने मनपसंद की चीज़ें, उठाएँ, ड्रेसिंग वगैरह करें, बनाएँ सैलड और खाएँ। सो उसके आगे अगर देखेंगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये कट फ्रूट्स वगैरह जो रखे हैं उनका ये एरिया आएगा, एंड उससे आगे बढ़ते ही आपको बेकरी आइटम्स नज़र आएंगे, तो आपको ब्रेड टोस्ट वगैरह करना है, क्रोसिन खाने हैं, देखें मफिन वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पर मिलेंगी। मेरा फेवरेट स्टेशन यहाँ पर था ये पराठे का लाइव स्टेशन, सो यहाँ पर पराठा आपको बनेंगे प्लेन पराठे ही है, कोई दूसरे स्टफिंग वगैरह के नहीं है। सो ये देखिए इनकी जो अलग ही तरीका होता है पराठे बनाने का, आई थिंक केरला स्टाइल वगैरह का पराठा है, ये काफ़ी फेमस है सिंगापुर मलेशिया में, काफ़ी पसंद करते हैं लोग। तो देखें इस तरह से इसे रेडी करते हैं, तो आपको ज़रा सा मैं दिखा देता हूँ इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। और ये सबसे बिजी स्टेशन मुझे पूरे एरिया में यही लगा जहाँ पर लोग क्यू कर रहे थे और एक ताज़े पराठे बन रहे थे, तो वो अपना लेके और फिर आप इंजॉय करें। सो आप देखें ज़रा इसकी पूरी प्रिपरेशन कैसी है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और ये सीधे जाता है एक पैन पे जिस पे थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालना है और ये देखें ये रेडी होकर कुछ इस तरह से होता है। चलिए तो आगे हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये थे कुछ ये वेज समोसे टाइप का एक आइटम होता है जो यहाँ पर पफ वगैरह बोलते हैं, और ये है नूडल्स जो मलेशियन लोकल स्टाइल की बनी हुई नूडल्स हैं। आगे अगर आप देखेंगे दूसरा जो आइटम क्या है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस सेक्शन में एक तीन चार अलग अलग तरह के आइटम थे, वो ज़्यादातर जो है लोकली आइटम हैं, ये भी कुछ आई थिंक पता नहीं किस चीज़ का क्या था। एनीवेज आगे ये देखें जो आप देख रहे हैं ना ये है यहाँ का काफ़ी फेमस रेंडांग, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो जितना भी ब्रेकफास्ट है वो सारा वेजिटेरियन है, तो ये रेंडांग यूजुअली होता है बीफ रेंडांग जो कि काफ़ी फेमस होता है, लेकिन यहाँ पर जो था वो मशरूम वगैरह से ही बना हुआ था या सोया से बना हुआ है, तो ये डिफरेंट था। और इस सेक्शन पर है यहाँ का द फेमस नासी लेमक, सो आप ये नासी लेमक अगर आपने डिश देखी नहीं हो तो आप गूगल करेंगे वो कैसी होती है,
तो उसे उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो यहाँ पर रखे हुए थे। और आप यहाँ से देखें, ये नूडल का भी लाइव स्टेशन था जहाँ पर आपको एक लाइव नूडल जो है वो रेडी करके सूप वगैरह उनका एक पॉट में जो है बॉइल हो रहा था। ये है यहाँ की तेतारिक, जो कि एक लोकल ड्रिंक है, समथिंग लाइक टी की तरह होती है, जो लोकल इंडियन टी वगैरह होती है, बट ये एक डिफरेंट स्टाइल से रेडी होती है, कंडेंस मिल्क वगैरह पड़ता है इसमें। उसके आगे यहाँ पर कॉफ़ी की मशीन है, जो कि ठीक ठाक कॉफ़ी थी, उतनी मुझे पसंद नहीं आई। उसके आगे जूसेस वगैरह के सेंटर थे, जो कि फ्रेश जूस नहीं है, ये सारे रेडीमेड जो हैं कैन जूसेस हैं वो यहाँ पर मिल रहे थे। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये सारा इनका मेन्यू जो है वो वेजिटेरियन है, सो यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह थी उनकी कोट्स के साथ वेजिटेरियन को प्रमोट करने के लिए। देखिए यहाँ पर भी ब्रैड पिट एंड इन सब सारी सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स हैं, और उनके साथ जो है उनकी वेजिटेरियन को प्रमोट करने के लिए जो है, देखिए आलिया भट्ट भी है यहाँ पर।